चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच गठबंधन होने की खबरें काफी तेज चली थी। एक समय काफी चर्चा थी कि आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच पूरी तरीके से गठबंधन की बातचीत है वो हो चुकी है, कभी भी किसी भी वक्त इस गठबंधन को लेकर ऐलान हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि चुनावों के अंदर गठबंधन नहीं हुआ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस मामले में आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हम लोगों को अछूत समझती है और इसी के कारण उन्होंने हमारे साथ वो गठबंधन नहीं किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद से हमने कहा था कि हमारी पार्टी को सिर्फ एक सीट दे दीजिए, बाकी सभी 7-8 सीटों पर आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। शौकत अली आपको बता दें कि बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ हमारे गठबंधन की बात चली, पीडीएम के नेताओं ने तय किया था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ एक सीट पर लड़ेगी और आजाद समाज पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अछूत समझा जाता है, मुसलमान उनको अछूत नहीं समझते। मुसलमानों ने तो सबसे बड़े नेता बाबा साहेब अंबेडकर को भी सदन में भेजा, सामंतवादी उन्हें अछूत कहते थे, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद हमें है वो अछूत समझ रहे, जबकि हम मुस्लिम समाज के लोग उनको अछूत है वो नहीं समझते। इस तरीके की बयान आपको बता दें कि शौकत अली की तरफ से आई है। शौकत अली जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से लगभग हमारी बातचीत हो चुकी थी और हम केवल एक सीट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ने हमारा साथ है वो नहीं